नमस्कार मैं हूं पल्लवी परिहार और आप देख रहे हैं दखल न्यूज एक तो सर्दियों का सीजन और ऊपर से शादी ऐसे में कहा जाए और क्या करें? इसके लिए हमारे साथ है नरेश जी नरेश जी आपका दखल न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है तो शादियों का सीजन चल रहा है ऐसे में ब्राइड्स और ग्रूम दोनों की क्या डिमांड्स रहती हैं क्योंकि सर्दियों के चलते लोगों को ड्राइनेस से रिलेटेड काफी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती हैं तो इसके लिए आप क्या ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड करते हैं और क्या उनकी डिमांड्स रहती हैं एक्चुअली ये जो सर्दियों का सीजन है इसमें हमारे स्किन का नेचर बहुत जल्दी और बहुत फास्ट चेंज होता है रीजन ये है कि सब स्किन का नेचर अलग अलग होता है किसी की टीजोन स्किन होती है किसी की ऑयली होती है किसी की ड्राई होती है किसी की हाइपर ड्राई होती है किसी की हाइपर सेंसिटिव कई तरह की स्किन होती है और ये सर विंटर में हमारी स्किन का नेचर बहुत तेजी में चेंज होता है क्योंकि दिन में धूप होती है नाइट में एकदम मौसम ठंडा हो जाता है तो हमें भी मेकअप में बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है कि किस तरह का इनको मेकअप दें और मेकअप देने से पहले हम पहले सोचते हैं कि क्यों ना हम इनको पहले प्री ट्रीटमेंट दे दें इससे स्किन हेल्दी बनाई जा सकती है ड्राइनेस दूर की जा सकती है और मेकअप करके चार चांद लगाए जा सकते हैं

और ग्लो करे और जो मेकअप कराएं वो भी अच्छा हो क्रेक ना दिखे लास्टिंग अच्छी हो पिक्चर्स अच्छे आए इस तरह इसीलिए भी ट्रेंड में है उसके साथ और भी स्किन टाइप हमारे पास बहुत सारी के फेशियल हैं प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें कहीं ना कहीं केमिकल यूज होता है तो वो हमारे बॉडी को कहा किस हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं एक्चुअली आज हम बात करें केमिकल की तो केमिकल से हम अछूते नहीं रह सकते हमारी डेली रूटीन लाइफ का एक पार्ट हो गया है केमिकल अगर हम बाहर भी घूम रहे हैं ऑक्सीजन भी ले रहे हैं तो साथ में केमिकल आ रहा है ठीक है अगर हम पानी यूज कर रहे हैं तो साथ में कहीं ना कहीं उसके केमिकल आ रहा है तो केमिकल हमारी लाइफ स्टाइल का पार्ट बन गया है अगर आप मेकअप कर रहे हैं हेयर स्टाइलिंग कर रहे हैं या कुछ भी आप कर रहे हैं तो आप केमिकल का यूज कर रहे हैं लाइफ स्टाइल केमिकल के साथ है तो आपको उसके साथ अवेयर करना पड़ेगा आप उससे अलग नहीं जा सकते बट इतना कहना रहेगा कि आप जो भी प्रोडक्ट यूज करें वो बेस्ट क्वालिटी के हों ताकि हमें किसी तरह का उसका कोई रिएक्शन ना हो क्योंकि कोई भी ब्रांडेड कंपनी जब उस प्रैक्टिकल तो करने के बाद लॉन्च करती है हमें किस तरह की है? हमारे को किसी तरह कोई वही सैलून विजिट करती थी पर आजकल मेल्स भी सैलून जाते हैं और जब रूटीन, रूटीन लेते हैं तो उसके बारे में आपका क्या कहना है एक्चुअली पहले सैलून या ब्यूटी पार्लर मीनिंग वुमेन्स सुन, के लिए बट आजकल का टाइम है अवेयरनेस खुद की देखभाल तो आज हर व्यक्ति मेंस हो या वुमेन्स वो चाहता है कि मेरी स्किन अच्छी हो मेरी पर्सनालिटी अच्छा हो मेरे हेयर अच्छा हो क्योंकि अगर हमारा कोई भी व्यक्ति किसी के सामने प्रेजेंटेशन दे रहा है तो सबसे पहले आई कांटेक्ट होता है आई कांटेक्ट में हेयर दिखता है स्किन दिखता है फेस दिखता है बॉडी पर्सनैलिटी दिखती है देन उसके बाद में सूज पे जाते हैं तो इसीलिए लोगों को अवेयरनेस फील हुई है उन्हें फील हुआ है कि आज अगर हमारी अच्छी होगी, तो हमारा भी अच्छा होगा। और आपके यहाँ ट्रीटमेंट्स भी दिए जाते हैं तो कितने टाइप्स के हेयर ट्रीटमेंट्स आपके सैलून में प्रोवाइड किए जाते हैं हेयर है ट्रीटमेंट्स हमारे पास रीग्रोथिंग ट्रीटमेंट्स होते हैं और हमारे पास कैरेटिन ट्रीटमेंट है स्मूथनिंग ट्रीटमेंट है नैनोपोलिसिंग ट्रीटमेंट है क्रिस्टल ट्रीटमेंट है क्रिस्टल ट्रीटमेंट तो एक ऐसा ट्रीटमेंट है कि बालों में क्रिस्टल साइन आ जाती है उसको रिपेयर हो जाता है हंड्रेड परसेंट फिर हमारे ग्रूम में हम जाते हैं तो ग्रूम्स के कई बार हेयर थिन हो जाते हैं या उनका स्कल्प में बाढ़ने से जाती है उसके लिए भी हमारे पास गारंटेड ट्रीटमेंट है और नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट भी है जिससे उनको बाल अगर नहीं आ सकते हैं तो हम लगा भी सकते हैं आजकल जो फीमेल्स हैं उनके हेयर में लेंथ और डेंसिटी बहुत कम हो गई है तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट्स हैं बिल्कुल सही क्वेश्चन किया है उसके लिए एक्चुअली हमारे पास ट्रीटमेंट है दो ट्रीटमेंट है अगर आपको लेंथ बढ़ाना है तो हेयर एक्सटेंशन हेयर एक्सटेंशन सेम टू सेम आपका हेयर का क्वालिटी का हेयर बुलाकर और सेम कलर लेकर सेम थिकनेस लेकर वो हेयर आपके हेयर से कनेक्ट किया जाता है जिसको हम बोलते हैं हेयर एक्सटेंशन जिससे आपका हेयर की लंबाई बढ़ाई जा सकती है एक दिन में आप चाहे तो थर्टी सिक्स इंच तक लेंथ बढ़ा सकते हैं जिसे हम बोलते हैं हेयर है एक्सटेंशन दूसरा अगर मान लीजिए आपका स्केल्प पर हेयर कम हो गया क्योंकि तो काफी वुमेंस आजकल डेली लाइफ स्टाइल रूटीन डिस्टर्ब हो गया उनका तो स्के्प में हेयर भी कम होते जा रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास टॉपर है टॉपर लेने पर आपका स्केल्प का पूरा एक कवरेज हो जाता है डेंसिटी अच्छी दिखती है वॉल्यूम अच्छा दिखता है और आपको किस तरह कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता क्योंकि ये जो भी हम आपको बता रहे हैं एक्सटेंशन होगा टोपर होगा ये टोटल नॉन सर्जिकल जिनके करली हेयर्स होते हैं उनको स्ट्रेट हेयर चाहिए और जिनके स्ट्रेट हेयर्स होते हैं उनको करली हेयर चाहिए तो ऐसे में आप क्या करते हैं जिससे आपके कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिले बिल्कुल एक्चुअली क्या है ये हमारा नेचर होता है कि हम अपने चीजों से संतुष्ट नहीं रहते हैं बट हम पहले कस्टमर से काउंसलिंग करते हैं कि उनको चाहिए क्या है अगर करली हेयर उनको स्ट्रेट चाहिए तो हम उनको स्मूथनिंग सजेस्ट करते हैं पॉलिसिंग करते करते हैं क्रिस्टल करते हैं क्रिस्टल सजेस्ट और अगर उनको करली हेयर चाहिए हेयर करली चाहिए तो हमारे पास करली हेयर ट्रीटमेंट भी है हम लोग उनको हेयर कर्ल करके देते हैं परमानेंट ताकि वो डेली लाइफ में उसको यूज कर सकते हैं स्प्रिंकल हो गया टोंग कल हो गया कई तरह के कर्ल्स होते हैं जो हम उनको करके दे सकते हैं परमानेंट मेकअप का ट्रेंड भी बहुत ज्यादा चल रहा है तो आप उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं परमानेंट मेकअप इज द गुड बहुत बढ़िया आप परमानेंट आई आई लाइनर लगा सकते हैं परमानेंट लिप्स लगा सकते हैं परमानेंट आप मॉल डेवलप कर सकते हैं इस तरह की आप अपनी आईब्रोज को परमानेंट डार्क करा सकते हैं इस तरह की परमानेंट मेकअप में चीजें हैं जो आप परमानेंटली करा सकते हैं और लॉन्ग लास्टिंग होती है किसी तरह कोई साइड इफेक्ट नहीं होता इनमें भी आप एक्सटेंशन के बारे में भी कुछ बताएंगे एक्चुअली एक्सटेंशन आज के टाइम में बड़ा क्रेजी ट्रीटमेंट है पहले क्या होता था आई लेसेस के ऊपर आर्टिफिशियल आई लेसेस लगाई जा सकती लगाई जाती थी ब्राइडल को या प्री ब्राइडल को या किसी फंक्शन में जाना है तो आर्टिफिशियल आई लेसेस हम लोग लगाते थे बट आजकल आई आर्टिफिशियल आई लेसेस साइड में करते हुए आजकल आ गया आई लेसेस एक्सटेंशन तो आई लेसेस जो आपकी आईज के जो लेसेस के जो, जो, जो हेयर होते हैं उसके साथ आर्टिफिशियल हेयर को एड किया जाता है जिससे आपकी आई लेसेस आपको बढ़ाना है या डेंसिटी में दिखाना है दोनों काम बड़ा इजी तरीके से आइडियल में हो सकता है आपका सैलून फैमिली सैलून है तो आप अपने कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड कर, करते समय किन किन, किन चीजों का ध्यान रखते हैं? आ, हमारा फैमिली सैलून है और कई सालों से हमने जब से लॉन्च किया है जब सिर्फ वुमेन सैलून अलग हुआ करते थे और मैन सैलून अलग हुआ करते थे बट हमने जब से लॉन्च किया है जब से हमने फैमिली सैलून लॉन्च किया है, आज मैक्सिमम फैमिली सैलून होते हैं और हमारा पहला प्रेजेंटेशन जो रहता है वो कस्टमर्स के ऊपर फोकस रहता है कि हमारा कस्टमर्स आया तो हम उसे फैमिली की तरह ट्रीट करें अच्छे से वेलकम करें हमारा जो स्टाफ होता है वेल ट्रेंड होता है वो कस्टमर्स को सर्विस जो चाहता है उस तरह की उनको सर्विस हम देने की प्रयत्न करते हैं कोशिश करते हैं ताकि हमारे कस्टमर्स जहाँ भी जाए उसे हमें कम, हमारी कमी फील हो आइडियल फील हो कि हमने जो आइडियल पे सर्विस ली थी वो हमें दूसरी जगह नहीं मिली इस तरह की हम सर्विस कस्टमर्स को देने की कोशिश करते हैं कई लोग अपनी के चलते और बिजी तो चाहेंगे जो लोग पार्लर या सैलून नहीं जा सकते हैं तब भी नहीं आ सकते हैं तो बहुत सारे होम टिप्स होते हैं जिनको वो यूज कर सकते हैं उससे उनका स्किन भी अच्छी रहेगी जैसे मान लीजिए विंटर है तो मॉइस्चराइजर अच्छे से लगाएं स्किन पर और हेयर में अच्छा शैंपू अच्छा कंडीशनर यूज करें बट जब यूज करें तो एक अच्छे टेक्नीशियन से एडवाइस लेने के बाद यूज करें कई बार हम लोग क्या होता है मार्केट में देखा एडवर्टीजमेंट देखा और यूज कर लिया बट वो एडवर्टीज माले ने नहीं देखा है कि आपकी स्किन का नेचर कैसा है तो आपको हो सकता है रिजल्ट अच्छा ही मिल भी सकता हो सकता ना भी मिले बट अगर आप किसी टेक्नीशियन से आप एडवाइस लेके अगर यूज करेंगे तो मे भी आपको हंड्रेड अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आप उसको लॉन्ग टाइम तक यूज करेंगे एक प्रोडक्ट ऑल टाइम यूज नहीं होता है विंटर में आपको अलग प्रोडक्ट यूज करना पड़ता है समर में आपको अलग प्रोडक्ट यूज़ करना पड़ता है रेनी सीजन में आपको अलग यूज करना पड़ता है तो समय समय के हिसाब से आपको प्रोडक्ट भी चेंज करना पड़ते हैं इसके लिए आपका जो भी टेक्नीशियन है जो भी स्टाइलिश हैं या जो भी व्यूसेंस हैं उनसे आप एडवाइस लीजिए ताकि आपकी स्किन को अच्छा एक मॉइस्चर मिले अच्छा रिजल्ट मिले और आप उसको अच्छे से यूज कर सकें आजकल यंगस्टर्स में हाइलाइट्स हेयर हाइलाइट्स को लेकर बहुत ज्यादा ट्रेंड है तो इसके लिए आपके पास क्या ज्यादा डिमांड्स आती हैं? हाइलाइट्स का तो ट्रेंड है और हाइलाइट्स भी कराते हैं वुमेन्स भी कराते हैं बट हाइलाइट्स के साथ साथ आज एक नया ट्रेंड जो चल रहा है वो है क्रेजी कलर हुँ. क्रेजी कलर है जैसे ब्लू हो गया रेड हो गया येलो हो गया ग्रीन हो गया पैराउट ग्रीन हो गया इस तरह के बहुत सारे क्रेजी कलर हैं जो आज बहुत ट्रेंड में है और खासतौर से यंग गर्ल्स उसको काफ़ी यूज कर रही है और उनका ये कलर कराने के बाद एकदम लुक भी बहुत चेंज होता है मेरे सेलून में हर एक दो दिन में इस तरह के कलर्स होते हैं और लोग बड़े हैप्पी होके जाते हैं जिनको हमारे सोशल मीडिया पे हम प्रमोट भी करते हैं कई लोग डेली रूटीन में भी मेकअप यूज करते हैं जिनको रेगुलर बेस पर मेकअप मेक करना रहता है लेकिन मेकअप निकालने के बाद उनकी स्किन जो बहुत डैमेज हो जाती है उसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे एक्चुअली मेकअप करना कोई बुरी बात नहीं है लेकिन मेकअप कैसे करना ये आपको थोड़ा सा एक पर्सनल ग्रूमिंग ट्रीटमेंट होता है वो आप सीख सकते हैं ट्रेनिंग ले सकते हैं लेकिन फिर भी जब भी आप मेकअप करें तो मेकअप से पहले प्राइमर लगाएं ताकि आपका मेकअप ज़्यादा टाइम स्टे करेगा और आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा प्रोडक्ट अच्छे होना चाहिए आपके प्रोडक्ट अच्छे होंगे तो आपको स्किन आपकी डैमेज नहीं होगी और प्रोडक्ट कोई भी आप लोकल यूज़ करेंगे तो स्किन डैमेज होने के चांसेज है प्लस जब आपने मेकअप किया तो मैंने बताया आप प्राइमर लगाएं उसके बाद अच्छे ब्रांड के आप मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करें और जब मेकअप रिमूव करते हैं तो कई लोग क्या करते हैं लिया क्लीजिंग और मेकअप रिमूव कर दिया दिस इज़ अ नॉट गुड मेकअप रिमूव करने के लिए भी प्रोडक्ट आते हैं उनका आप यूज़ कीजिए और एकदम सॉफ्ट मलमल टाइप के कपड़े से आप रिमूव कीजिए कई बार क्या होता है रिया रफ किया और रगड़ के पोष दिया तो उससे स्किन डैमेज होने के चांसेस होता है क्योंकि हमारे फेस पर फुल डे मेकअप लगा रहता है और हम उसको रिमूव करते हैं तो रिमूव करने का अगर आपका तरीका ठीक नहीं है तो हंड्रेड परसेंट आपकी स्किन डैमेज होने के चांसेस रेसेस होने के चांसेस या छोटे छोटे दाने या स्पॉट होने के चांसेस आ सकते हैं सिर्फ चेहरा ही नहीं आजकल सभी पूरी पर्सनालिटी पर ध्यान दिया जाता है तो ऐसे में हाथ और पैर जो सेकेंडरी चीजें होती है उस पर भी लोगों का काफी ध्यान जाता है तो उसके लिए आपके सैलून में क्या क्या ट्रेंड आजकल ट्रेंड है एक्सटेंशन काफी जो प्री ब्राइडल जो पैकेज लेते हैं ग्रूम्स लेती है प्री ब्राइडल पैकेज तो वो प्री ब्राइडल के साथ बॉडी पॉलिशिंग पेडिक्योर मैनिक्योर हेयर एक्सटेंशन हेयर कलर फेशियल्स uh, इस तरह की पूरी सर्विसेज लेते हैं साथ में वो एक एक्स्ट्रा भी सर्विस लेते हैं जिसका नाम है नेल एक्सटेंशन तो जब भी वो प्रेजेंट करते हैं ये अपना कुछ भी काम करो तो जब नेल्स जो शो करते हैं तो वो एक अलग खूबसूरती प्रेजेंट करते हैं ब्राइडल की और ये सब चाल कराने से पहले वो अपना मैनिक्योर पेडिक्योर भी कराते हैं जिससे उनकी डेड सेल्स होते हैं किसी की हील क्रैक्स होती हैं वो सब भी रिपेयर हो जाती हैं पेडी मैनी भी भी काफी ज्यादा एडवांस प्रोडक्ट है जो एक ही बार में आपकी हील को भी क्रेक हील को भी रिपेयर किया जा सकता है तो ये थे हमारे साथ नरेश जी जिनके साथ हमने मेकअप को लेकर चर्चाएं की सैलून को लेकर चर्चाएं की ब्यूटी ट्रीटमेंट्स को लेकर उन्होंने हमें बताया ऐसे ही और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दखल न्यूज नमस्कार वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं सत्य का अन्वेषण दखल न्यूज आपके में, आप देख रहे हैं दखल न्यूज